बाइबल में लिखा है हन्ना नाम की एक बहन थी और उसके पास बच्चे की आशीष नहीं थी। पन्ना जो थी उसके पास बच्चे की आशीष थी लेकिन हन्ना के पास नहीं थी। बाइबल में लिखा है हन्ना बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी, शी वॉज बैरन और ताने मारे जाते थे। आजकल तो टाइम डेवलप हो गया, किसी के घर में क्या है क्या नहीं है लोग इतना नहीं देखते हैं, लेकिन ओल्ड टाइम में यह बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब किसी के पास बच्चे की आशीष नहीं होती थी तो लोग ताने मार मार के मार देते थे उसको, और जब कहीं से वो बहन गुजरती थी तो लोग पता क्या बोलते थे, अरे पीछे वो जो बांझ आ रही है, बांझ आ रही है, बांझ आ रही है, ऐसा बोलते थे लोग। आपने शायद अभी भी बहुत सारे गांवों में देखा होगा ऐसा होता है। और हन्ना की जिंदगी ऐसी थी, उसका पति इतना नेक इंसान था, इतना परमेश्वर से भय रखने वाला, डरने वाला व्यक्ति था। बाइबल बताती है वो अपनी पत्नी हन्ना को बेहद मोहब्बत करता था। वो क्यों उसे प्यार करता था? ताकि इसे बच्चे की कमी महसूस ना हो। और एक दिन उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी हन्ना को बोला, क्या तेरे 10 बच्चों से मैं अच्छा नहीं हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तू क्यों बच्चे की कमी को महसूस करती है? क्यों बेटे की कमी को महसूस करती है? मैं 10 बेटे भी हो जाए तो उनसे भी अच्छा हूं, मैं तेरे 10 बच्चों की कमी को पूरा कर सकता हूं, मैं इतना प्यार करता हूं तुमसे। वो इतना प्यार करता था उससे। और बाइबल में लिखा है एक दिन हन्ना परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के सिंहासन के सामने गई और रो रो के प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, यदि तू अपनी दासी को आशीष दे, ब्लेसिंग दे, जो बच्चा तू मुझे देगा वो बच्चा दूध छोड़ने के बाद मैं तेरी हजूरी में तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। हालेलुया। हन्ना ने यह परमेश्वर से वादा किया। आपको पता, जब वो प्रेयर कर रही थी उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, उसके जो होंठ है वो फड़फड़ा रहे थे, होंठ हिल रहे थे, और एली याजक उसके पास आता और कहता है, लगता है इसने शराब पी हुई है, इसने नशा किया हुआ है, ये इतने टाइम से बैठी हुई है और ये उठ ही नहीं रही है। और वो कहती, मैंने नशा नहीं किया, मैंने शराब नहीं पी, मैं अपना दुख परमेश्वर को दिखा रही हूं। और एली ने उसे एक शब्द दिया, वचन दिया कि तेरा ईमान बढ़ा है, तेरा विश्वास बढ़ा है, जा, यहोवा परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली है, अगली बार तू बेटे की आशीष के साथ यहां आएगी। आमेन, हालेलुया। आपको पता, जब आप सैमुएल की किताब पढ़ोगे वहां पर लिखा है परमेश्वर ने उसकी कुख को बंद किया हुआ था। हा, क्या बात है, कभी हम ऐसा सोचते नहीं। दे गोलियां ते गोलियां, दे दवाई ते दवाई, दे दवाई ते दवाइयां, खा खा के बेचारी भैन का भी बुरा हाल कर देने, पर इस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि परमेश्वर भी हमारी कुख बंद कर सकता है बाइबल के मुताबिक। सुनो क्या हुआ, सुनो, परमेश्वर ने उसकी कुख खोली और उसे एक बेटा पैदा हुआ और उसका नाम उन्होंने सैमुएल रखा। सैमुएल जब पैदा हुआ, मां ने दूध छड़वाया, दूध छोड़ने के बाद अपने बच्चे को एली के पास छोड़ आई। और आपको पता है वो सैमुएल कौन था? बहुत बड़ा नबी बना, बहुत बड़ा नबी बना। और वो सैमुएल जिससे परमेश्वर 10 साल की उम्र में बात करता है। एली से परमेश्वर ने बात नहीं की जो उस जगह का मालिक था, लेकिन एक छोटे लड़के से परमेश्वर ने बात की। और बाइबल में लिखा वो बहुत बड़ा नबी बना और उस नबी ने दाऊद को अभिषेकित किया और दाऊद के कुल से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर की योजनाएं। क्या आप उसकी योजनाएं समझ सकते हैं?